अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इन्वोल्यूट्स एंड एवोल्यूट्स, ये क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 16 है। सबसे पहले देखें कि इनकी डेफिनेशन ये है, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व देयर एग्जिस्ट ए कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। के कोई आपके पास कर्व है, जैसे ये कर्व है, ठीक है, इसके हर पॉइंट के अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये कर्व थी हमारे पास, C1 इसका नाम है, ये इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। एवरी पॉइंट के लिए कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा। ये दूसरी कर्व C2 है, तो इस पॉइंट P0 का सेंटर ऑफ कर्वेचर Q0 एग्जिस्ट कर रहा है, P1 का Q1 कर रहा है, एंड सिमिलरली मतलब हर एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करता है। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एवोल्यूट ऑफ द कर्व। लोकस कहते हैं कि काफ़ी सारा जैसे गुच्छा होता है कुछ चीज़ों का, हम इकट्ठी कर लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं इन सबको अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं, लोकस इनका बन जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एवोल्यूट ऑफ द कर्व। और जो कर्व खुद है उसको क्या कहा जाता है, इन्वोल्यूट ऑफ द कर्व, ठीक है। देखेंगे, हमारे पास एक कर्व थी C1, इस पे पॉइंट्स थे P1, P2 एंड सो ऑन, ये ओरिजिनल पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर हैं, ठीक है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग P0 के Q0, P1 के Q1 एंड सो ऑन, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। तो जो लोकस होगा C2 का इन पॉइंट्स का, उसको क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड एवोल्यूट ऑफ C1 एंड C1 इज द इन्वोल्यूट ऑफ C2। मतलब जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स थे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स थे, उनका जो लोकस था उसको हमने क्या कहा है, एवोल्यूट कहा है। और जो कर्व खुद है वो क्या बनती है, इन्वोल्यूट बनती है। एक्सरसाइज में देखें, हमने फाइंड करने होते हैं एवोल्यूट ऑफ द कर्व। इसमें कोई सिर्फ ये एक नई चीज़ इसमें आती है कि आपने उसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर्स जैसे हमने कल वाले लेक्चर में फाइंड किए थे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। उसके लिए पहले आपको इसके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अल्फा और बीटा, उनमें क्या क्या थे, फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ होता है, सेकंड डेरिवेटिव यूज़ होता है। अल्फा और बीटा निकालेंगे, उसमें से जो भी हमारे पास पैरामीटर्स होंगे उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उनको ख़त्म कर देंगे, बाकी जो वैल्यूज़ आएंगी अल्फा और बीटा उसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है, अल्फा की जगह पे एक्स और बीटा की जगह पे वाई, तो वो आपके पास क्या बन जाएंगे, एवोल्यूट्स बनेंगे। और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब देखें, ए हमारे पास कर्व किस तरह की दी गई है, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई क्या है, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। हमें पता है अल्फा बीटा में हमें चाहिए होता है dy/dx, और हमें चाहिए होता है d2y/dx2, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, इस पर अप्लाई होगा चेन रूल, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए कॉन्स्टेंट है, बाई है, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। इसी तरह से इसमें ए बाहरी है, 1 का 0 और माइनस ये वाला, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बन गया। अब इस पर अप्लाई करेंगे चेन रूल, dy/dx विच इज़ इक्वल टू dy/dθ डॉट dθ/dx। dy/dθ की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, और dθ/dx चाहिए हमारे पास है dx/dθ, इसको उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/a ((1-cos)θ। अब हमने इनको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई। दो फार्मूलाज हैं जो कि ज़्यादा इसमें यूज़ हो रहे हैं कॉमनली। एक आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 2θ होता है, वो किसके इक्वल होता है, 2sin(θ cos)θ, ठीक है, ऐसे होता है ना, आपके पास होता है साइन 2θ विच इज़ इक्वल टू 2sin(θ cos)θ। अगर आपको चाहिए सिर्फ साइन थीटा, तो ये एंगल्स को 2 पे डिवाइड करते हैं, सिर्फ एंगल को करना है, किसी और चीज़ को नहीं करना। यहाँ बचेगा साइन थीटा, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2sin(θ/2cos)θ/2, ये लिख दिया हमने। फिर आपके पास थे हाफ एंगल्स, सॉरी डबल एंगल्स, cos(2θ) विच इज़ इक्वल टू 2sin²θ, सॉरी 1-2sin²θ,
कॉस में हो तो कॉस वाला पहले होता है, माइनस वन बाद में होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको पहले इधर ले आए, क्या बन गया, टू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का था ये वन, और ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया। हमें चाहिए सिर्फ कॉस थीटा, तो एंगल्स को आप टू पे डिवाइड करते हैं, सिर्फ एंगल को करते हैं, किसी और चीज़ को नहीं करते होते। तो ये क्या बन गया, टू टू से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, वन माइनस कॉस थीटा, वो किसके इक्वल है, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, ये चीज़ आ गई। अब देखें इसमें से कौन कौन से, टू टू से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई टू, एक साइन थीटा बाई टू से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, कॉट थीटा बाई टू। अब ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू का गेन करेंगे तो वन बाई टू डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब इस पर भी चेन रूल ही अप्लाई होता है, डी थीटा बाई डी एक्स की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इनको करेंगे सिंप्लीफाई, उसी तरह से पीछे से वन माइनस कोसेटा हमने किसके इक्वल पुट किया है, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, माइनस स्टार्ट में आ गया वन ओवर फोर ए, और ये साइन स्केयर थीटा बाई टू ऊपर जाएगा तो कोसेकेंड स्केयर थीटा बाई टू बन जाएगा, कोसेकेंड स्केयर थीटा बाई टू जब कोसेकेंड स्केयर थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंड फोर थीटा बाई टू, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब हमने निकालने हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स उनके क्या क्या हैं, अल्फा और बीटा। बाज़ात ये है कि इसको एक साइड पे भी सॉल्व कर लेते हैं इस सारी चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ तो दोनों में कॉमन होती है, अल्फा में भी और बीटा में भी, बाकी आपकी मर्जी है चाहे इस तरह कर लें चाहे इस तरह कर लें। अल्फा का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं इसमें, देखें माइनस माइनस जो है दोनों आपस में प्लस हो गए, फोर ए थर्ड ओवर में था ऊपर चला गया, कॉट थीटा बाई टू। अब देखें यहाँ से वन प्लस कॉट स्केयर थीटा बाई टू किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्केयर थीटा बाई टू के आइडेंटिटीज़ के मुताबिक, ये टू टू से कैंसिल हो गया, बाकी इसका टू नीचे बच गया है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट थीटा बाई टू विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू, और ये जो है ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये बन जाता है। अब इससे कैंसिल आउट होगा एक, बाकी ये बच गया। अब देखें इसमें हम करते ऐसे हैं, टू ए कॉमन ले लें, बाकी बच गया टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। जितना मजीद सिंप्लीफाई हो सके उतना ही करें इसको। अब हम ये इतनी बड़ी टर्म की बजाय एक छोटी सी टर्म लिख देते हैं, वही वाली जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि साइन टू थीटा होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल हाफ एंगल चाहिए, मतलब अकेला साइन थीटा चाहिए, तो एंगल्स डिवाइड हो जाएंगे, तो इस पूरे की जगह पर क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, टू ए साइन थीटा। एक्स की जगह पीछे से वैल्यू पुट कर दी, वो क्या थी, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आ गया ए थीटा, ऐसे ही आ गया, और ए साइन थीटा प्लस टू ए साइन थीटा, ये एक इससे माइनस हो गया, बाकी क्या बच गया, ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से अब हमने इसमें फाइंड करना है बीटा। बीटा क्या था, वाई प्लस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वही पीछे वाली सारी चीज़ आ जाएगी। इसमें एक होगा वाई की वैल्यू पुट की हमने, वो क्या है, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस फोर ए कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाई टू, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इसको वन माइनस कॉस थीटा की जगह जैसे पीछे हमने किया था क्या पुट कर देंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो टू फोर ए में से टू ए माइनस हुए तो माइनस टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये जो चीज़ है ए को बाहर ही रख लें माइनस को, और टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अगेन किसी इक्वल है, वन माइनस कॉस थीटा। बेसिकली इसमें दो फार्मूलाज ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एक ये वाला जो हमने किया है टू साइन थीटा कॉस थीटा, हमें हाफ हाफ चाहिए तो हम एंगल्स को टू पर डिवाइड कर देते हैं, और हमें दूसरा ये हम यूज़ कर रहे हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी हाफ एंगल चाहिए तो इसको टू पे डिवाइड कर देते हैं, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू किसके इक्वल आ जाता है, वन माइनस कॉस थीटा के। वही चीज़ हमने पुट की बीटा। अब देखें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सिंप्लीफाई हो सकते होंगे, जैसे इक्वेशन नंबर वन और टू आई है अल्फा और बीटा, कुछ में स्क्वेयर करके कुछ में एडअप करके किसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कोई ना कोई अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस ऐसे आई हैं कि इनको हम किसी भी तरह से इसमें से थीटा एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख देते हैं, इनको यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें एलिमिनेट हो रहा होगा। तो एंड में हम क्या कर देते हैं, हम लिखते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, टेकिंग लोकस,
लोकस का लेने का मतलब है कि अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर देना है और बीटा को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, वाई से कर देना है। तो ये आपके पास बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में और एग्जांपल्स में है जो सिंपली बात है, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो सो इनके जो एवोल्यूट्स बने हैं गिवन इक्वेशन के, वो ये बने हैं। ठीक है,